हेलो दोस्त, मैं नीरज और आपके स्वागत है वर्क बाजार यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो कंपनी में जॉब लेकर आया हूँ, firstcray.com कंपनी है। इस कंपनी में ना भाई ना गजब के सैलरी भी है और गजब के फैसिलिटी भी है। मेरे कहने के तात्पर्य ये है कि इस कंपनी में जैसे फ्लिपकार्ट हो गए, डिलीवरी के जितने भी वेयर हाउस है ना, सबसे अच्छा सैलरी मिलेंगे और सबसे अच्छा फैसिलिटी मिलेंगे। बहुत दूर दूर तक इसके बस जाते हैं, प्लस कैंटीन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो भाई, अगर आप firstcray.com कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आप सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करके, डे नाइट ड्यूटी होते हैं, सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करके महीने में 12,000 से लेकर 14,000 तक कमा सकते हैं, सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करके। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें भाई, ऐसा चैनल आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और मैं आप एक छोटी सी बात बोलने वाला हूँ कि मैं जब से वर्क बाजार स्टार्ट किया हूँ तो बहुत सारे मेरे चैनल के माध्यम से जॉब मिला है। तो अभी तो बहुत ब्रांड बन गया है भाई, इंडिया में तो वर्क बाजार ब्रांड बन चुका है, लेकिन कुछ हेटर है, यानी कि दुश्मन मेरा, ठीक है, जो मेरे नाम को बदनाम कर रहे भाई, उसके चक्कर में ना पड़े, ठीक है। वो तो मेरे से जब भेटाएगा तो मार खाएगा जरूर, उसके चक्कर में ना पड़े। आप लोग को मालूम होगा कि जो लोग थोड़ा वायरल होने लगते हैं ना, थोड़ा अच्छा काम करने लगते हैं ना, लेवल पे आ जाते हैं ना, तो उसके बारे में अनाप शनाप बातें निकलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वर्क बाजार की ओर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और ट्रस्टेबल जॉब मिलेंगे रियल सैलरी के साथ। वो फ्रॉड सैलरी यहाँ पर हम नहीं बताते हैं, मेरा वो चाल और व्यवहार नहीं है, ठीक है। आप लोग को मालूम है जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है। तो दोस्त, वीडियो में आप अंत तक बने रहे। कंपनी के जो नेम है firstcray.com कंपनी, और कंपनी के लोकेशन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बगल में झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में लोहारी या लोहारी में ही कंपनी है, ज्यादा दूर नहीं है, घबराओ मत भाई, गुड़गांव से ज्यादा दूर नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताएंगे, वीडियो को एक सेकेंड के लिए मिस नहीं करना, ठीक है। और ये जॉब जो होने वाले हैं, ये परमानेंट जॉब होने वाले हैं। आप बहुत सारे वेयर हाउस में जॉब किए होंगे, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, 6 मंथ रखते हैं उसके बाद निकाल देते हैं या रीज्वाइनिंग कर देते हैं। 6 मंथ काम करेगा उसके बाद फिर से रीज्वाइनिंग कर देते हैं, यानी कि फिर से वही सैलरी इंक्रीज होने का यहाँ पर नाम ही नहीं है फ्लिपकार्ट अमेजॉन वगैरह में। लेकिन ये firstcray.com जो कंपनी है, इसमें परमानेंट जॉब है, आपको नहीं निकालेगा, आप जितने मर्जी हो उतना काम कर सकते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। 8 घंटे के काम है और 3 शिफ्ट में काम करने पड़ेंगे, जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक, फिर दोपहर से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, तीनों शिफ्ट में आपको काम करने पड़ेंगे। हफ्ते हफ्ते में एक हफ्ते अलग शिफ्ट, ए शिफ्ट, और फिर शाम वाले में 20 शिफ्ट सेकेंड, हफ्ते हफ्ते में आपके शिफ्ट चेंज होते रहेंगे। कंपनी में ओनली लड़के के लिए रिक्वायरमेंट निकले हैं, इंटरव्यू का जो डेट है वो कल है, कल कंपनी में ज्वाइनिंग होंगे, हो सके तो परसों भी ये कंपनी में ज्वाइनिंग होंगे। आपके जो इंटरव्यू और कंपनी का एड्रेस है, ध्यान से सुनना, और मैं मैप लोकेशन भी देने वाला हूँ, प्लस कंपनी का एड्रेस भी अच्छे से बताने वाला हूँ। वेयर हाउस नंबर 600 बी इंडो स्पेस लॉजिस्टिक पार्क लोहारी झज्जर पथौड़ी टू कुलाना रोड, इंडो स्पेस लोहारी के सामने आकर आपको कॉल करना है। अगर दूसरा कोई ये वीडियो डालता है तो ये बोलकर बस चुप हो जाते, लेकिन नहीं भाई, वो कुछ नहीं देखा है, लेकिन नहीं, आपका भाई आपको इतना सपोर्ट करेगा कि बिना पूछे किसी से आप कंपनी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गुड़गांव बस स्टॉपेज आप तो देखे होंगे या पता करके आ जाना, गुड़गांव बस स्टॉपेज, ठीक है। वहां से आपको बिलासपुर आ जाना है, कहाँ आना है, बिलासपुर चौक, ऑटो या बस मिल जाएंगे। बिलासपुर चौक आने के बाद वहां से आप डायरेक्ट लोहारी के भी गाड़ी मिलते हैं, या लोहारी के डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो झज्जर आ जाना, झज्जर के गाड़ी मिल जाएंगे, झज्जर, ये देखो स्पेलिंग झज्जर, झज्जर आ जाना, झज्जर से आपको लोहारी आ जाना है। और लोहारी आने के, जैसे ये लोहारी है, लोहारी, ठीक है, यहाँ आने के बाद लोहारी में एक पार्क का नाम है जिसका नाम है इंडो स्पेस लॉजिस्टिक पार्क, इंडो स्पेस
लॉजिस्टिक पार्क, और इस पार्क के अंदर बहुत सारे कंपनी है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, महिंद्रा लॉजिस्टिक, बहुत सारे है। लेकिन आपको जाना है कितना, वेयर हाउस नंबर 600B में। यहाँ पर बहुत सारे वेयर हाउस मिलेंगे। आंडू गांडू लोग को पता नहीं रहता है, जो अलग वीडियो बनाते हैं या समझाते हैं उसको कुछ पता नहीं रहता है, बस ऐसे ही घर बैठे वो कुछ से कुछ बक देता है। लेकिन नहीं, वर्क बाजार आपको जेन्युइन चीजें देने की प्रयास करते है कि मेरे भाई मेरे थ्रू अगर कहीं पर जा रहे ना, उसको कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से मैं समझाता हूं आदमी को, और मेरे ही वीडियो देखकर और मेरा ही तरीका समझकर वो वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं यूट्यूब पर, तो यार चलो मेरे वजह से आप लोग पैसे एक दो यूट्यूबर कमा रहे तो चलो यार, लेकिन फ्रॉड मत करना, नहीं तो उसको रिलाई मैं जबरदस्त तरीके से करूंगा, ठीक है। तो ये पार्क जो जब यहां से बिलासपुर चौक से झज्जर आ जाओगे और झज्जर से लोहारी, लोहारी में एक पार्क है इंडो स्पेस लॉजिस्टिक पार्क। इस पार्क में बहुत सारे वेयर हाउस है, तो आपको जाना है वेयर हाउस नंबर 600B में। वेयर हाउस नंबर 600B है और इस वेयर हाउस का नाम है expressbees.com कंपनी। आपको जो जाना है सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में कंपनी के गेट पर पहुंच जाना है, ठीक है। ये फाइनल हो गए भाई, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कॉल जो भी आपको करना है ना तो लोहारी, और मैं मैप लोकेशन भी दे दिया हूँ भाई, अगर जाने में प्रॉब्लम होता है तो ये इस पर जैसे टच करोगे, ये आपको वेबसाइट पे सब चीज मिल जाएंगे, इस पर जैसे टच करोगे ना आपके मैप लोकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जहां से है ना वहां से टू करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में जो आपके काम रहेंगे ना, पैकिंग, पिकिंग, स्कैनिंग, रैंकिंग, क्वालिटी चेकर। अब पैकिंग क्या है, जैसे कोई भी बॉक्स है उसको पैक करना है, बस सिंपल। उसके बाद पिकिंग क्या करना है, जैसे ये जैसे बॉक्स है, ठीक है, इसमें जितने भी पीस गए हैं, ठीक ना, ये जितने भी पीस गए हैं उसको डालकर प्लस वहां पर टेप मार के उसको पिकिंग बोलते हैं। स्कैनिंग, जैसे ये बॉक्स है यहाँ पर एक स्टिकर लगाना है, स्टिकर चिपका रहता है, तो ये स्कैन करके यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। स्कैन करने के मैंने इस बॉक्स का जो डाटा है उसको नोट कर लिए, उसके बाद आगे इसको सेल करेंगे, वो स्कैन करके मैंने रख लिए। रैंकिंग, ये जैसे रैक ऐसा बनाए वेयर हाउस में, तो यहाँ पर सजा के रख रहे, जैसे यहाँ पर मान के चलो ये मोबाइल का सारा प्रोडक्ट है, बॉक्स है, तो यहाँ पर मोबाइल वाले ही रैंकिंग में रखाएगा, ये थोड़ी ना कि यहाँ पर सरसों का तेल वाले में रख देगा किधर से, नहीं, वो रैंकिंग जहां पर उसका जगह है वहां पर उसको सजाया जाता है। क्वालिटी चेकर यानी कि चेक किया जाता है क्वालिटी में, जो समझ रहे ना पार्ट पुर्जे को, अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, बस समझाते भी है। और कंपनी में जो भी मैं आपको सैलरी बताऊंगा वो पीएफ एसआई काटने के बाद इन हैंड सैलरी बताऊंगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे। 8 घंटे के जो सैलरी है वो इन हैंड की मैं बात कर रहा हूं, वो 10,300 सैलरी है 8 घंटे के इन हैंड। अटेंडेंस अवार्ड यानी कि 26 ड्यूटी कंटिन्यू करने पर 1,000 रुपये आपको मिलेंगे, और अभी दिवाली के भी बोनस दे रहे हैं भाई 1,000 रुपया, तो भाई गजब के। उसके बाद टोटल जो आपके सैलरी हो गए देख सकते हैं 12,300 रुपये, ध्यान से सुनना, कोई नहीं समझाएगा, ये नहीं कि 12,300 हो गया फटाफट वीडियो को भगाते हैं, भाई सुन ले यार, और भी बहुत कुछ मिलने वाले है, भगाओगे वीडियो ना समझ में नहीं आएगा। और इसी सब मेरे भाई को जॉब नहीं मिलते और कमेंट करते हैं और व्हाट्सएप इधर से उधर परेशान रहते हैं, जो मैं बताता हूँ यार उसको ध्यान से बैठ के सुनो, कोई ऐसा नहीं बताएगा। बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिल जाएगा जॉब के बारे में एडवाइस देने वाला, ऐसा कुछ नहीं बताएगा खुल के, उसको गांडू को पता ही नहीं है कुछ, बस जो लिखा रहता है उसको कुछ से कुछ फटक देता है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये आपके सैलरी हो गए प्लस 12,300 आपके टोटल सैलरी हो गए इन हैंड, ये तो दिवाली के बोनस अभी मिल रहे, बाद में तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद कंपनी में नाइट, जैसे आपके 26 ड्यूटी हो गए तो 26 ड्यूटी में 26 ड्यूटी प्लस 4 छुट्टी, 30 दिन का ड्यूटी होता है तो 4 संडे ऑफ रहता है, तो 4 संडे काट लेने के बाद 26 ड्यूटी हो गया, तो 26 ड्यूटी में 13 डे करना है, 13 डे में यानी दिन में ड्यूटी करना है और 13 नाइट में ड्यूटी करना है, तो कितने हो गए यहाँ पर देख सकते हैं, नाइट अलाउंस 100 रुपये। अगर नाइट में आप काम करोगे एक्स्ट्रा आपको 100 रुपया पर नाइट देगा, एक्स्ट्रा आपको, यहाँ से हटा लेते हैं इसको,
अगर आप नाइट में काम करोगे तो 100 रुपया पर नाइट देगा, तो 13 नाइट काम करोगे कितने हो गए, 1300 रुपया। 1300 रुपया ये हो गया, ठीक है। मैं फिर से जोड़ देता हूँ एक बार, ये हो गया आपका सैलरी 10,300 प्लस 1000 रुपये सैलरी प्लस 1000 रुपये बोनस, फिर 1300 नाइट के, है ना। उसके बाद ओवर टाइम 115 रुपये घंटे, और ये फिक्स है कि आपके कंपनी में ज़्यादा ओवर टाइम नहीं चलेंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से करना, आपके ओवर टाइम महीने में 20 घंटे मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ जो काम होंगे तो वहाँ टारगेट बेस पे होंगे, अगर आप अच्छे से टारगेट दे देते हैं, आपके काम अच्छा परफॉर्मेंस है, तो भाई आपको ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, और महीने में 20 घंटा आराम से ओवर टाइम आप ले सकते हैं। तो 20 घंटे का कितने हो गए, ज़्यादा होंगे, लेकिन हम 2000 जोड़ लेते हैं। तो भाई एक बार सैलरी जोड़े, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 15,600, भाई गजब के सैलरी। मैंने बोले ना कि सभी कंपनी से हटके सैलरी मिलेंगे, गजब के सैलरी मिलेंगे, लेकिन कब, जब आपके 26 के 26 ड्यूटी करोगे, नाइट करोगे, अच्छे से परफॉर्मेंस दोगे, तो आप अच्छे सैलरी कमा सकते हैं। मौका है भाई, आपको तो 12 घंटे जॉब करना नहीं है, 8 घंटा ड्यूटी करना है, तो कर सकते हैं ना यार, छुट्टी करके क्या करोगे भाई, मौका है यार काम करने का। प्लस यहाँ पर जो फैसिलिटी भी आपको दिया जा रहा है ना, वो गजब का फैसिलिटी दिया जा रहा है। देख सकते हैं खाना व चाय की सुविधा भी है, एक टाइम आपको खाना मिलेगा, एक टाइम आपको चाय मिलेगा, जो कि बेस्ट है। घर से रूम से जहां पर रूम लोगे ना, एक बार खाना खा के चले जाओ, फिर आके बना सकते हैं, नाश्ता करके सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कंपनी में जो बस की फैसिलिटी है वो कहां कहां तक जाते हैं, जो लोकल की कैंडिडेट है, जो हम नाम बताएंगे बस की रूट के, वहां से भी बेरोजगार है तो वो भी आ सकते हैं जॉब करने के लिए, या आप यूपी बिहार कहीं से भी है वो भी जाकर वहां पर रूम ले सकते हैं और बस के द्वारे से आ सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कंपनी से जहां जहां पर बस जाते हैं वहां वहां जगह पे आप रूम ले सकते हैं, ठीक है, समझ में गए। तो मैं बता रहा हूं कहां कहां बस जाते हैं कंपनी से। कंपनी से दारूहेड़ा, सिरदावली, कापसीवास, फिर बिलासपुर जो गुड़गांव में है, बोराकला, पथौड़ी, हेली मंडी, लोहारी से बस आते हैं सारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कोसली, कावास, ग्रोध, गदानी, अहमदपुर, पालवास, गरवाड़ा, पटोदा से कंपनी है। उसके बाद लिसाना, बीकानेर, जाट, गंगयाचा, पालवास, गरवाड़ा, ये सारे जो मैंने बताए भाई थोड़ा कुछ अजीब भी नाम है, तो यहाँ पर भी जो कैंडिडेट है यहाँ से भी जा सकते हैं। और अगर आपको रूम लेना है ना दोस्त, तो सबसे अच्छा है मैं जो बताऊंगा वो बिलासपुर में भी ले सकते हैं। बिलासपुर के नीचे थोड़ा सा है बिनोला में भी ले सकते हैं, सिरदावली में ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, दारूहेड़ा में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जो इंटरव्यू देने आओगे तो डॉक्यूमेंट जो आपको लाना है, सबसे पहले रिज्यूम होना चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल एवं कॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम 10th पास होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएट वाले भी आ सकते हैं, बैंक की जो अकाउंट है उसके फोटो कॉपी होना चाहिए, वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो भी आपको मैं नंबर दूंगा उस पर अगर कॉल करोगे, कॉल नहीं लगने पर व्हाट्सअप करें या अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से ये होगा दोस्त कि ये नहीं कि मैंने अप्लाई कर दिया मेरे पास सब कॉल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अप्लाई करने से ये कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो भेज सकते हैं अप्लाई के थ्रू, ठीक है। तो मेरे वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको अप्लाई के लिंक प्लस कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे वेबसाइट workbazaar.com के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, वहां पर मेरे वेबसाइट के लिंक आएंगे, उस पर टच करें, वेबसाइट पर फुल इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्टैक्ट नंबर प्लस अप्लाई करने के लिंक आ जाएंगे। अप्लाई जरूर करना दोस्त, ठीक है। उसके बाद कल सोमवार को जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सुबह 8:30 बजे 9 बजे जा सकते हैं, उसके बाद वहां पर जाके कॉल करें, ठीक है। और अगर मेरे डिस्क्रिप्शन चेक अगर नहीं करने जानते तो आप सिंपल है कि गूगल को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको सर्च करना है workbazaar.com। सर्च करने के बाद मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर आ जाएंगे, अभी मैंने अपडेट नहीं किया वेबसाइट पर, यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो।